वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज 7 को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना। मैं वर्चुअल बॉक्स में इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज 7 को ताकि मैं आपको यूज़र इंटरफेस और साथ ही साथ आने वाली वीडियो में विंडोज़ इंटरफेस और उसके नेविगेशन जो विंडोज़ के होते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकूँ। इसके लिए मुझे विंडोज 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 अपने कंप्यूटर पर डालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अलग अलग हार्ड ड्राइव ज़रूरत पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं वर्चुअल बॉक्स की मदद से आपको इन सब के बारे में बता सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम केवल विंडोज 7 को इंस्टॉल करना सीखेंगे वर्चुअल बॉक्स में और साथ ही हम सीखेंगे पूरी प्रोसेस को कि कैसे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं और 7 को इंस्टॉल करते समय क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, तो मैं वर्चुअल बॉक्स इनेबल कर लिया हूँ। यहाँ से मुझे न्यू पे जाना है। न्यू पे मैं यहाँ दे देता हूँ विंडोज 7। मैंने दे दिया, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब मशीन का जो फोल्डर होगा वो कहाँ होगा। मशीन का फोल्डर मैंने ऐसे अदर पे किया हुआ है और अदर पे मैं डाल देता हूँ। इस पर सेलेक्ट फोल्डर मैंने एफ ड्राइव किया हुआ है। यहाँ से कोई सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना, ये 7 है 7 ही रहने देना। 64 बिट रखना चाह रहे हैं 64 बिट, मैं 64 बिट का यूज़ करूँगा। यहाँ क्रिएट पर जाना है और यहाँ आपको 32 GB जो है इसको कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसे एटलीस्ट 90 GB रखिए और क्रिएट पे क्लिक कर देना। ये हो जाने के बाद आपको कुछ और सेटिंग्स करनी है, उसके लिए आपको आना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ आना है, नेटवर्क पे, और नेटवर्क में जो अडाप्टर है उसको कर देना है ब्रिज अडाप्टर। ब्रिज अडाप्टर का मतलब है कि ये जो है मेरा वायरलेस लैन कार्ड से चलता है, तो एक पीसी के अंदर दूसरा पीसी को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये हो जाने के बाद आपको इसको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक पॉपअप बॉक्स मांगेगा, ये डायलॉग बॉक्स है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डायलॉग बॉक्स क्या होता है। प्लीज़ सेलेक्ट अ वर्चुअल डिस्क फाइल, आपके पास जो ISO फाइल होगा उसे सेलेक्ट करना है। मेरा ISO फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर पर है और ये जो है मैं यहाँ से 7 चूज़ कर रहा हूँ। कोई भी एक वर्ज़न चूज़ कर लेते हैं, मैं पुराना वर्ज़न चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसे मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। चूँकि हम वर्चुअल बॉक्स पे चला रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से ही खुलेगा। जब आप नॉर्मल विंडो इंस्टॉल करते हो तब भी ऐसी ही प्रोसेस खुलती है। ये भी एक डायलॉग बॉक्स है और इस पर कुछ ऑप्शंस है जैसे कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल, इसको क्लिक करना है। जब आप नॉर्मल विंडो इंस्टॉल करते हो तब भी ऐसे ही होता है। यहाँ से मैं इसकी जो डेट एंड टाइम है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश इंडिया। ये हो जाने से कीबोर्ड जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। इससे ये होगा कि जब आप लास्ट में जब इसका डेट एंड टाइम चेंज करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा चेन्नई को। तो इसे करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में यहाँ दो ऑप्शन मिलता है, इंस्टॉल नाउ और रिपेयर। रिपेयर का काम है जब आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है तब आप उस पर्टिकुलर DVD या CD जिससे आपने बूटेबल बनाई होती है उसे रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगा, ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ये डिपेंड आपके रैम पर और प्रोसेसर पर भी करता है। जब आप वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर रहे हो तो आप एक से ज़्यादा प्रोसेस ना करें। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपग्रेड का मतलब होता है आप पुराने विंडो से नए विंडो पर स्विच होना और आपकी जो पुरानी फाइलें हैं वो यथावत जैसी रहें, तो उसके लिए अपग्रेडेशन का विकल्प होता है। पर हमें यहाँ कस्टम करना है क्योंकि हम एक नया विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमने 90.7 GB जब ही हमने लोकेट किया था, 30 GB का हार्ड ड्राइव आ गया। मैं यहाँ पार्टीशन कर लेता हूँ इसका, एटलीस्ट 40-40 का कर लेते हैं। आपको जितने GB की ड्राइव पार्टीशन बनाना है उतने GB के लिए 1024 से गुणा कर दीजिए। मुझे एटलीस्ट 41 बनाना है तो 41 के लिए मैं यहाँ चूज़ करूँगा 41984। ये MP क्लिक करने के बाद ओके करना है। मैं इसे 49 वाले में डाल देता हूँ क्योंकि उसकी ज़्यादा स्पेस है। इस तरह से आप नॉर्मल विंडो को इंस्टॉल करते समय भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को होने में एटलीस्ट 15
से 20 मिनट लगता है। यह आपके मशीन पे वर्क करता है, क्योंकि मैं इसे वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे नाम पूछ रहा है विंडोज़ यूज़र का, तो मैं विंडोज़ यूज़र का नाम दे देता हूँ विंडोज़ 7। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ टाइप पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड नहीं डाल दे। यहाँ की पूछ रहा है तो मैं इसे ऑटोमेटिकली डिस्क स्किप कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ विंडोज़ प्रोटेक्शन के लिए तो मैं अभी कर देता हूँ आस्क मी लेटर। तो आप देख सकते हैं वहाँ आपने चूज़ किया था कंट्री, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसने चेन्नई डिटेक्ट कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनली डेस्कटॉप आ गया हमारे सामने। इस तरह से प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसे नॉर्मल विंडो पे कर लेता हूँ, आप ये देख पा रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके इंटरफेस के बारे में, साथ ही साथ इसके नेविगेशन पैनल और इसके डेस्कटॉप को कस्टमाइज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like, share, subscribe my channel.